हेलो दोस्तों, मैं नाम आसिफ, आप देख रहे हैं टेक्नोशेक। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग लॉजिटेक का ये माउस। हमारे पास आया है ये अमेज़ॉन की तरफ से, अमेज़ॉन से परचेस किया है मैंने ये, इसी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखने के लिए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल और ऑल करें, बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। बेल आइकन आप दबाते नहीं हैं तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती नहीं है। आप बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, ऑल वीडियो जो सारी वीडियो मैं बनाता हूँ उसी नोटिफिकेशन आपको सबको मिलेगी, तो ऑल करना जरूर करें। तो चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। ये मिलता है हमें लॉजिटेक की तरफ से हमें मिलता है। करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। डब्बा खोल, टेक्निकल प्रोसीजर है, डब्बा खोल। सबसे पहले हमें मिलती है ये कुछ मैनुअल जो कि हमारे कुछ काम भी नहीं है। प्रेम पत्र हमारे कुछ काम भी नहीं है, प्रेम पत्र हमारे कुछ काम भी नहीं है। उसके बाद हमें मिलता है ये माउस। ये माउस में हमें ये पूंछ टेल दी हुई है। ये टेल हमारे कुछ काम की नहीं है, क्या पता किस काम की टेल है ये। ये टेल हमें दी हुई है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ऑन और ऑफ का बटन। ये ऑन, ये ऑफ का बटन है। करते हैं इसको ओपन, जहाँ पर सेल लगा हुआ है। ये हमने हटाई पूछ इसकी, ओके इसको ये ओपन ऑन कर देते हैं इसको। अंदर से इस तरह दिखता है, काफ़ी अच्छा माउस है, काफ़ी बेहतरीन माउस है ये। ये माउस काफ़ी बेहतरीन है इसके। ये देखिए यहाँ से साइड में है, कितना बेहतरीन लुक दिया हुआ है। काफ़ी आराम से हाथ में आ जाएगा, आराम से हाथ में आ जाएगा। काफ़ी बेहतरीन माउस है और इसकी रोलिंग भी बहुत ही अच्छी रही हुई है, काफ़ी बेहतरीन है ये। चलाने का भी काम बहुत अच्छा करेगा, काफ़ी बेस्ट है ये। इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, आपको कैसे परचेज़ करना है आपको परचेज़ कर सकते हैं आप। और इस वीडियो में आप बताइए मुझे कि मैं एक पोल रखूँगा इस वीडियो में, और उसमें बताइए कि आपको मेरी वीडियो किसकी जगह से मिली है, सर्चेबल में या सजेस्टेड में। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा पोल के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, करते हैं इस वीडियो को ख़त्म यहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।